जयराम के मुख्यमंत्री बनने पर नालागढ़ भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। पूर्व विधायक केएल ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ बाजार में रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने जयराम के मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आभार व्यक्त किया। रैली विश्राम गृह से शुरू होकर शहर के बाजार से होती हुई वापस विश्राम गृह में आकर संपन्न हुई। देशवासियों को खास करके नालागढ़ धानसभा क्षेत्र के सभी जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक है, भाई बहन है, नौजवान साथी, सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पिछले काफी समय से नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है अपेक्षित रहा है। कोई भी चाहे विकास की बात हो, आप सबको पता है कि पिछले 5 साल में कितना धन हम केंद्र सरकार से लाए, परंतु प्रदेश सरकार ने जमीन पे काम नहीं किए। नेशनल हाईवे की बात ही ले लीजिए आप, जो हमारे नालागढ़ स्वारगढ़ तक है, इसके लिए 121 करोड़ रुपया केंद्र सरकार स्वीकृत कराया है। लगभग चार बार केंद्रीय मंत्री जो है हमारे सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी से मिला, उसके लिए पूरा पैसा लाया, परंतु जो काम हुआ आपके सामने है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी और जो वर्तमान जो यहाँ के लोकल नेता थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बने हुए थे, उन्होंने काम नहीं होने दिया, परंतु अब सरकार आ गई भाजपा की, अब जितने भी रुके हुए काम है, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो, पंजारा से नालागढ़ से लेकर स्वारगढ़ तक, उसका काम भी सही होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और काम भी तुरंत होगा। ये बातें और भी पीने के पानी की बात है, सिंचाई की बात है, सिंचाई के रिकॉर्ड ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ है, परंतु उसका सिर्फ उसका भी स्कीम में कम्प्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि इनका जो है नालागढ़ को काम करने कोई इरादा नहीं था कांग्रेस सरकार का। तो अब समय बदल चुका है, प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई है और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और जो बहुत ही बुद्धि आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं। तो अब जो है जो नालागढ़ का है, नालागढ़ के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि जयराम जी को भी विधायक दल ने नेता चुना है, उसके लिए पूरे विधायकों को भी बधाई, पूरे हिमाचल के। और जयराम जी को जय श्री।